हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश पांडे आज आपके लिए नाइन्थ सीरीज के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कल मैंने स्टार्ट किया था उसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास अलग अलग वैरायटी के हैं वो किस टाइप से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट इज सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे उसको मैं डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड कैसे बनते हैं। स्ट्रक्चरल अगर हम बात करें तो एक रफली डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो आपको हमेशा एक तो क्या करना है, एक तरह से स्क्वायर बनाना है और उसके ऊपर एक तरह से दो पिरामिड होते हैं। अब मैं इसी को अगर आपको पिक्चर के थ्रू समझाना चाहूं तो आप ये देख सकते हैं कि आपने प्लेन पेपर ले लिया और उसके बीच में मैंने पेन को क्या कर दिया है, लगा दिया। तो ध्यान से देखिए नंबरिंग कैसे करते हैं। तो जो ये फर्स्ट पोजीशन है दैट इज द टॉप, तो नंबरिंग यहां से होती है 1, 2, 3, 4, 5 और फिर उसके बाद हम कहां पे जाते हैं, 6 पे जाते हैं। इसी तरह यहां देखिए, यहां पे ऐसे नहीं करेंगे 1, 2, 3, 4, कोई स्टूडेंट ऐसे करते नहीं, नंबरिंग कैसे होगी 1, 2, 3, 4, 5 और फिर ये लास्ट में क्या जाएगा 6। और ये एक दूसरे के आप देख सकते हैं किस पोजीशन पे ये पड़े हैं डायगनली। तो इस तरह ऑक्टाहेड्रल हमारी ज्योमेट्री है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग पैटर्न आपको पढ़ने को मिलेगा। इस केस में सिस के लिए 12 पोजीशंस आप देख सकते हैं होती हैं जिनको देखें, और ट्रांस के लिए 3 पोजीशंस हैं जिनको अगर हम देखें तब हम बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड हमारा सिस है और कौन सा ट्रांस है। जैसे सिस की बात करें तो सिस किस किस पोजीशन को देख के करते हैं, जैसे 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 4 तो ये सारी पोजीशन क्या है, देखिए ध्यान से 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ये सारी क्या है, सिस पोजीशंस हैं। इसके रिस्पेक्ट में ध्यान देखिए 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ये 6 है, ये डायगोनल चला है, इसको नहीं लेंगे, ध्यान से देखें मैंने 1, 6 नहीं लिया, ये ट्रांस हो जाएगा। तो ये सिस है, और कौन कौन सी सिस है, इसी तरह 6 को देखें 6, 3, 6, 2, 6, 4, 6, 5 ये भी क्या है, सिस पोजीशन है। इसी तरह 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 2 ये भी क्या है, सिस पोजीशन है। तो इस तरह अगर हम ध्यान से देखें तो 12 पोजीशंस बनती हैं जिनको हम सिस काउंट करते हैं। और इसी तरह अगर ट्रांस की बात करें, ट्रांस में क्या रहता है 1, 6, 4, 2 या 2, 4 एक ही बात है, 3, 5 या 5, 3 एक ही बात है। तो ये 3 पोजीशंस जो होती हैं ये क्या होते हैं, ट्रांस। अब अगर स्टूडेंट इतनी सारी पोजीशंस को देखने बैठेगा फिर तो उसका क्वेश्चन हो गया एक पर्टिकुलर टाइम में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने उसको सिंपलीफाई मैंने आपको कर दिया, क्या सिंपल सी बात आपने याद करनी, टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन हम बस छोटी सी चीज देखेंगे। जनरली ये रूल कब एप्लीकेबल होगा, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग रूल है जो मैं आपको कराते हुए समझाऊंगा। A4B2 टाइप यानी 4 लिगेंड्स अलग होंगे और 2 लिगेंड्स अलग होंगे। तो जो ये B2 है उनकी ये एक्चुअल में पोजीशंस होती है। अगर जो ये B2 है 2 लिगेंड्स है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तो 1, 6 पे अगर B2 2 लिगेंड सेम है तो उसे कहेंगे ट्रांस, और 1, 2 पे अगर सेम है तो सिस। और जनरली मैं क्लास में क्या कहता हूँ, जनरल और इजी कर देता हूँ मैं, कि 1, 6 पे अगर सेम है तो ट्रांस और 1, 6 पे डिफरेंट है तो सिस। वो केवल इस टाइप के लिए, अलग अलग टाइप्स हैं अभी हम डिस्कस करते हैं, MA3B3 और जैसे कल हमने स्क्वायर प्लेनर के लिए अंदर काफी टाइप्स की थी उसी तरह मैं डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल के। तो स्टूडेंट जैसे कल हमने बात की थी स्क्वायर प्लेनर के अंदर, उसी तरह अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पॉसिबल है। अब वही वाली बात है कि अगर MA6 की बात करूं तो सारे के सारे लिगेंड्स यहाँ पे क्या है, सेम है। अगर आपके सारे लिगेंड सेम है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये शो नहीं करेगा। इसी तरह अगर 5 लिगेंड सेम है, 8 डिफरेंट है तो भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। आपने अपने दिमाग में ये चीज डाली। अब कौन कौन से शो करेंगे, तो ये सारे टाइप्स जो मैंने मेंशन किए हैं ये सब क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे यानी सिस और ट्रांसफॉर्म बनाएंगे। अब कैसे बनाते हैं इनके सिस और ट्रांसफॉर्म वो मैं बताने जा रहा हूँ, विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन CBSE एज वेल एज IIT नीट और आप जो भी अदर कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करें, KVPY हर जगह ये चीज आपके क्या है, काम आने वाली है। तो बड़े ध्यान से सीखेंगे कैसे आइसोमर बनाते हैं,
और बोर्ड में बेटा यहाँ से 101% हर साल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल पॉसिबल आइसोमेरिज्म क्वेश्चन तो आ ही रहा है, इसको इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब मेरे पास क्या है Ma4B2 टाइप, जैसे कि एग्जांपल मैंने ले लिया कोबाल्ट, दो क्लोरीन है और फोर क्या है अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे चार जाएगा प्लस फिर कोबाल्ट प्लस थ्री में एडजस्ट करता है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने बनाना है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि पहले आप एक स्क्वायर बना लेंगे और उसके ऊपर एक दो परपेंडिकुलर इस तरह से डाल देंगे, एक अप और एक डाउन। सेंटर में क्या है कोबाल्ट, उसको लिख लीजिए और फिर ये सिक्स पोजीशंस हैं, इनको दो बना लीजिए क्योंकि हमें सिक्स ट्रांस बनाने हैं। तो फिर मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए और आप कभी भी पेपर में आपका गलत नहीं होने वाला, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करें क्या करना है, अगर मुझे अब ये देखो जो इसमें सेम है जैसे Cl2 है, मैं केवल किस पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, इस Cl2 पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। अगर ये दोनों क्लोरीन, अगर दो बातें हो सकती है, मैंने दोनों को क्या कर दिया 1,6 पे सेम रख दिया और 1,2 पे सेम कर दिया। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है इनकी नंबरिंग करना चाहो तो दोबारा नंबरिंग कर लो 1,2,3,4,5,6 और यहाँ पे 1,2,3,4,5,6 ये नंबरिंग कर ली। अभी मैंने आपको जस्ट क्या बताया है कि 1,6 पे अगर सेम है तो ट्रांस, ये इसकी ट्रांस स्ट्रक्चर बन गई और 1,2 पे सेम है तो क्या बन गया सिस, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। दूसरा 1,6 पे क्या कर रहा है, ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूँ, बच्चे कौन से अमोनिया बच गया, अब चार अमोनिया बचे हैं, वो चारों अमोनिया आप क्या कर देंगे लगा देंगे, तो यहाँ पे लगा दीजिए चारों अमोनिया, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी अगर हम चारों अमोनिया लगा दे कहाँ लगाएंगे NH3 और NH3। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि 1 और 6 पे क्या है डिफरेंट है, तो 1 और 6 पे सेम है तो ट्रांस, नहीं तो जो भी आपको रूल जिस टाइप से हम अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा आप याद रखें कि 1, 6 पे अगर सेम है तो ट्रांस और 1, 2 पे सेम है तो हमारा क्या होगा सिस, ये आइसोमर होगा। जो भी दो सेम होंगे उसको आपको देखना है बस। अब अगले में आ गया, तीन लिगेंड हो तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हटके है अपने आप में काफी, तो बड़ा ध्यान से सीखेंगे और इसका नाम भी अलग काफी ढंग का है। अगर हमारे पास तीन लिगेंड्स हैं बेटा तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। जैसे बीच में मैंने रोडियम ले लिया और यहां पे क्या ले लिया, पहले तो आपने बड़े ढंग से जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से बनाना है, डायग्राम बना लिए। अब आपको याद रखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे 1, 2, 3 पे अगर सेम है तो हम बोलते हैं सिस और 1, 2, 6 पे सेम है तो हम बोलते हैं ट्रांस और इसी का दूसरा नाम है मर और मेरी डायगोनल और इसको मर बोल देते हैं हम, सिस वाले को और क्या बोलते हैं फेशियल और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फैक मर, सिस ट्रांस फैक मर, इनमें किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या, बिल्कुल ये छोटे छोटे रूल याद रखने आपको 1, 2, 3 और एक मैं और भी अच्छा सा रूल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लीजिए, यहाँ पे किनारे पे क्या कर लीजिए ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल पे सारी सेम है तो सिस, एक डिफर कर रहा है तो क्या आ जाएगा ट्रांस। तो मैं पहले केस में क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है पिरिडीन है और क्लोरीन है, तो मैं कोई भी चीज ले सकता हूँ, मान लो मैंने क्लोरीन ले लिया तो मैंने तीनों क्लोरीन क्या कर दिए सेम कर दिए, यहाँ पे एक ये वाली पोजीशन डिफर कर दी, मैंने क्या किया यहाँ पे 1, 2, 3 सेम, 1, 2, 6 सेम कर दिया, तो मेरा ट्रांस जो बच गया उसको लगा दो। अब बचा क्या है पिरिडीन, PY, 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 ये आपका क्या बन गया बेटा सिस बन गया और यहाँ पे PY बचा है PY, 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 ये क्या बन गया सिस। एक्चुअल में यहाँ पे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया मेरिडाइनल, ये कौन सी पोजीशन होती है, ये यहाँ पे जब तीनों सेम होते हैं तो मेरिडाइनल और इस पोजीशन पे तीनों सेम होते हैं इसे फेशियल बोलते हैं फैक वर्ड और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं मर। तो इस तरह से आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, अगर तीन तीन लिगेंड आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पिरिडीन हो क्लोरीन होगा, कोई भी तीन लिगेंड हो अगर डिफरेंट डिफरेंट आपको लगे दो लिगेंड दे रखे तीन तीन करके, तो उस केस में आपने हमेशा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऐसे बनाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं अपने तरफ से बिल्कुल सिंपलेस्ट आपको तरीके बता रहा हूँ, बस ये रूल याद कर लीजिए
डॉक्टर रामेश्वर दास मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया था। कभी अगर देखे तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। तो सर ने मुझे टेक्निक सिखाई थी, तो आप इन चीजों को समझें। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एम ए टू ए ए ट्वाइस। ये मेरा क्या है, नॉर्मल क्लियर हम इसका कैसे बनाएंगे। अब देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो लिगेंड्स ए टू सेम है ए ए। कल मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट्स, ए ए का मतलब क्या होगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स। और कहीं भी अगर मैंने ए बी लिखा है तो इसका मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। इसमें थोड़ा सा अलग ढंग से है, क्या है अलग ढंग से, एग्जाम्पल हमने जैसे ले रखा कोबाल्ट इन का ट्वाइस सी एल टू। चलिए देखिए थोड़ा सा अलग ढंग का इसमें क्या है, तो मैंने कोबाल्ट ले लिया। तो सबसे पहले आपने बेटा यही करना है कि सबसे पहले बना लीजिए, ये रख लिया आपने बना लिया। अब मेरे पास दो क्लोरीन है तो मैंने क्या कर दिया, 16 पे सेम कर दिया, और इसको आप क्या ले सकते हो 2-3 ले लो, 2-3 पे सेम कर दिया। तो जब 2-3 पे सेम कर दिया तो ये आपका बन गया सिस, और 16 पे कर दिया तो क्या बन गया ट्रांस। अब ईन को कैसे दिखाते हैं ये भी थोड़ा सा सीखने वाला कॉन्सेप्ट है। ईन के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अब ईन है दो पोजीशन बाइडेंटेट लिगेंड है, आपको पता है दो पोजीशंस क्या करेगा ब्लॉक करेगा, ठीक है बाइडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पे भी क्या होगा ईन, तो बेटा ये आपका ट्रांस हो गया और ये क्या हो गया सिस। कई स्टूडेंट्स को भी ईन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ आपके लिए। ईन को क्या लिख रहे हैं हम, एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, जो मैंने इस तरह किया था इसका क्या मतलब है, NH2 CH2 CH2 NH2। अब बार बार हमको ऐसे ना लिखना पड़े, इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे N है NH2 है CH2 है CH2 है NH2 है NH2 है CH2 है CH2 है NH2 है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इस पूरे को इस तरह ना लिख के हम सिंपली क्या कर देते हैं ऐसे लिख देते हैं। कई बुक्स में इसी पैटर्न को ऐसे भी लिखा जाता है, इन वर्ड इस्तेमाल ना करके खाली एन दे दिया जाता है, तो वो भी बिल्कुल सही है, किसी के टीचर ने ऐसे कराया वो भी सही है और ये भी सही है। तो जो आपको इजिली समझ आ जाए वो टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अगला टाइप चलते हैं लास्ट जो आज का है, अगर मेरे पास ए टू बी टू और अब ये सिमेट्रिकल लिगेंड्स, यहाँ पे एक ही आएगा सॉरी ए ए, क्योंकि सिक्स ऑक्टेटल है बाइडेंटेट है, दो दो चार और दो छह लिगेंड्स होने चाहिए, छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने चाहिए, बन रहे हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, अब इस केस में आप क्या करेंगे स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मेरे पास पहले तो दो बना लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक में आपको सिखाने जा रहा हूं, आपने सर मजा आ गया। अब यहाँ पे बीच में क्या है कोबाल्ट, बना लीजिए भाई कोबाल्ट। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपलेस्ट, मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास सीएल टू है, तो मैंने क्या किया सीएल टू को ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक बार मैंने दोनों सीएल टू को सेम कर दिया, इन कहीं लगा दो, एक जगह इन लगा दिया, बच्चा क्या NH3 और NH3। एक बार मैंने क्या किया सीएल को डिफर कर दिया NH3 NH3, और इन को हम नहीं छेड़ रहे, इन जहां पड़ा है उसे वहीं पे रहने दो। अब क्या क्या ध्यान से देखिए बेटा, जो मैंने पहले रूल बताया था 16 पे क्या है सेम है तो क्या हो गया ट्रांस, 16 पे क्या है डिफर तो क्या हो गया सिक्स, या हम ये कह सकते हैं 12 पे क्या है सेम तो क्या हो गया सिक्स। तो इस तरह हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि किसका क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। तो मैंने आपको जितने टाइप कराए हैं इनसे आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस केस में। दूसरी बात और याद रखना, अभी कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर सारे लिगेंड्स अगर डिफर हो जाएं, जैसे कि मैंने कल टेट्राहेड और स्क्वायर प्लेनर के केस में बात की थी, तो यहाँ पे क्या है बेटा, अगर सिक्स लिगेंड्स में लेता हूँ डिफरेंट तो 15 आइसोमर बनेंगे, 15 आइसोमर्स, देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ 15 आइसोमर्स। तो याद रखना, बस इतना याद रखिए कि अगर कभी आपसे कोई पूछ रहे कितने आइसोमर बनेंगे अगर सारे के सारे लिगेंड्स डिफर करते हैं ए बी सी डी ई एफ आ जाए तो कितने आइसोमर बनेंगे, तो आपको याद रखना है 15 आइसोमर बनेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स, तब कल मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा
इन वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।